नमस्कार। आखिर इस देश को हो क्या गया है? इस देश के प्रधानमंत्री को हो क्या गया है? इस देश के गृह मंत्री को हो क्या गया है? ये सवाल इसलिए भी खड़ा होना लाजमी है क्योंकि एक तरफ कर्नाटक के चुनाव में देश के प्रधानमंत्री व्यस्त है और जब देश में बेरोजगारी का दर सबसे ज्यादा हो, देश का नौजवान रोजगार के लिए भटक रहा हो, तो ऐसे वक्त देश के प्रधानमंत्री नौजवानों को यह कह रहे हैं कि रोजगार की बात मत करो। देश के प्रधानमंत्री नौजवानों से कह रहे हैं, भूल जाओ रोजगार, भूल जाओ जिंदगी, भूल जाओ सपने। अब इस देश के नौजवानों का एक ही काम है कि बोलो जय बजरंग बली की। इस प्रकार का फरमान, इस प्रकार का उद्घोष एक देश के प्रधानमंत्री के मुंह से शोभा देता है? ये प्रधानमंत्री चुनाव में प्रचार करते वक्त ये कहते हैं कि बजरंग बली और बजरंग दल दोनों एक है, मतलब बजरंग बली की यह हालत बना दी गई कि वो बजरंग दल से कुछ अलग नहीं है। देश के प्रधानमंत्री को क्या यह शोभा देता है कि वो ये कहे लोगों को कि वोट देने के बाद उसी बूथ पर बजरंग बली के नारे लगाना? मतलब आखिर ये देश के प्रधानमंत्री क्या है? थोड़ी भी जिम्मेदारी नहीं? इतना गैर जिम्मेदार किसी देश का प्रधानमंत्री हो सकता है? क्या हम इसकी कल्पना भी कर सकते हैं? 75 साल की लोकशाही के बाद इतना परिपक्व लोकशाही अगर हो गई है तो उस परिपक्व लोकशाही में से ऐसा प्रधानमंत्री निकला है कि जो क्या कह रहे हैं, किस मुंह से कह रहे हैं, किस पद पे कह रहे हैं वो, इसका कोई इल्म नहीं है उनको। किसी भी मुद्दे पर जवान नहीं खोलने वाले प्रधानमंत्री देश की लोकशाही में जनसभा को संबोधित करने का मायने ये होता है कि लोगों का सामाजिक और राजकीय चेतना को बढ़ाना। लोकशाही में और चुनाव में जनसभाओं को संबोधित करने का मायने ये होता है कि आपकी पार्टी की नीतियां उसके बारे में लोगों को अवगत कराना। लोकशाही में, चुनाव में, जनसभाओं का मतलब ये होता है कि विचारों का आदान प्रदान करना। लेकिन देश का सर्वोच्च पद पे आसीन प्रधानमंत्री अपनी सारी गरिमा को तोड़कर क्या भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? कहां ले जाना चाहते हैं उस देश को? देश के सामने जो गंभीर सवाल है उस पर एक शब्द नहीं बोलने वाले प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री है या नहीं इस देश में? ये क्या चल रहा है दिल्ली में? क्या कसूर है उन महिला पहलवानों का? क्या देश की लोकशाही में अपने ऊपर होने वाले अन्याय और अत्याचार के खिलाफ दाद मांगना गुनाह है? क्या देश कहां, किधर, किस ओर ये देश चले गया है कि लड़कियां, बेटियां, पहलवान, क्या सलूक हो रहा है उनके साथ? ठीक गृह मंत्री के नाक के नीचे, ठीक प्रधानमंत्री के नाक के नीचे असहाय हमारी लड़कियां देश का नाम रोशन करने वाली, देश के तिरंगे को रोशन करने वाली क्या हालात बना के रखी है सरकार ने? शर्म आनी चाहिए इस देश के प्रधानमंत्री को और देश के गृह मंत्री को।
क्या व्यवहार कर रही है? रात के अंधेरे में एक महिला पत्रकार के साथ जिस प्रकार का सलूक पुलिस करती है, शर्म आनी चाहिए पुलिस कमिश्नर को, आला अधिकारियों को शर्म आनी चाहिए, देश के गृह मंत्री को। ये देश में कानून का राज है या नहीं है? कहां लेके जा रहे हैं इस देश को? क्या करना चाहते हैं? और पूरा समाज सुन्न है, खामोश है। सवाल पूछे जाने चाहिए। इस तरह से देश को छोड़ा नहीं जा सकता। इस तरह से देश को इन लोगों के हवाले नहीं किया जा सकता। मुझे पूरा यकीन है कि कर्नाटक में निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री के इस फुहाड़पन का जवाब कर्नाटक की जनता जरूर देगी। आखिर इसी समाज, इसी देश के अवाम ही इस देश को बचाएंगे, इस समाज को बचाएंगे। कहीं ना कहीं हम उम्मीद कर सकते हैं कि कल की जो घटना दिल्ली में हुई महिला पत्रकार के साथ और महिला पहलवानों के साथ, राष्ट्रीय महिला आयोग इसकी संज्ञान लेगी। इस देश की सर्वोच्च न्यायालय इसकी संज्ञान लेगी और इस देश को बचाएगी। बचाने का काम करना होगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी और मुद्दे के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।